नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 18 मई 2020 है। 18 मई 2020 की बड़ी खबरें क्या है? देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार कर गई। कोरोना पॉजिटिव की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बिहार में अब तक कोरोना से 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर महाराष्ट्र में एक ही दिन में 2,337 केस बढ़ गए। इस प्रकार महाराष्ट्र में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे अधिक केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 33,000 के पार कर गई। महाराष्ट्र में अब तक 1,198 कोरोना संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि इसमें अधिकांश बुजुर्ग लोग हैं जो किसी न किसी रोग से पूर्व से ही पीड़ित चल रहे थे। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,755 हो गई है। बिहार में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अन्य प्रदेशों से लौट रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। चालू माह के अंत तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी ज्यादा होगी। अब तक रोग संक्रमण की गति प्रवासी मजदूरों के कारण ही बढ़ी बताई जा रही है। ऐसे में सरकार ने क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाने के लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है। निर्देशानुसार अब हर गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों को उनके आने वाले जोन के अनुसार ही उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। हॉटस्पॉट जोन से आने वाले के लिए विशेष निगरानी होगी। सबसे कम प्रभावित राज्यों से आने वालों को गांव में विलेज क्वारंटाइन में शिफ्ट कराया जाएगा। देश के रेड जोन से आने वाले प्रवासियों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार में मधुमक्खी पालकों के दिन फिरने वाले हैं। कोरोना से बचाव के लिए सावधानी और जागरूकता के अलावा अभी तक न कोई दवा बनी है और न ही कोई वैक्सीन निकला है। ऐसे में वैकल्पिक तौर पर इम्यून बढ़ाने की कवायद चल रही है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में औषधीय फूलों से शहद तैयार करने का खाका तैयार किया गया है, जिसके तहत करंज के फूल से शहद निकाले जाने की योजना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहां मधुमक्खी के बक्से लगाए जाएंगे ताकि मधुमक्खी करंज के फूलों से शहद निकाल सके। इसी को लेकर मधुमक्खी पालकों को वहां लगाए जाने की योजना है। केला किसानों के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने सूबे के 5 जिलों में नया रोग मुक्त केले की टिश्यू कल्चर वैरायटी G9 लगाने की तैयारी किया है। आपको बता दें कि इस नए वैरायटी का प्रयोग पूर्णिया, कटिहार, अररिया के अलावा खगड़िया और औरंगाबाद में 10-10 एकड़ में किया जाएगा। मालूम हो कि ये जिले केला के उत्पादन में पिछले कई वर्षों से अव्वल रहा है, लेकिन केले की खेती पर पनामा बिल्ट एवं सीगा टोक डिजीज का प्रकोप ज्यादा हो गया तो किसानों का मन खट्टा हो गया। किसान को लागत पूंजी भी नहीं निकलने लगी। इसके बाद आंधी पानी के कहर ने तो इनके जोश को और भी ठंडा कर दिया। किसान इससे विमुख होने लगे। इसी समस्या को देखकर बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने नया टिश्यू कल्चर पौधे का इजाद किया। सासाराम के भटोली गांव में छोटी सी बात को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प हो गई, जमकर लाठी चली। इसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए तो पिटाई से एक की मौत हो गई। अब आपको बता ही देते हैं कि छोटी बात क्या थी। छोटी बात थी लूडो खेलने के दौरान बकझक होना। बांका जिले के बेलहर बांका मुख्य मार्ग पर पिस्तौल का भय दिखाकर एक मुर्गा व्यापारी से 1,25,000 रुपये लूट लिया गया। पीड़ित व्यापारी का नाम सतीश कुमार दास बताया गया। वह रामपुर दुधारी गांव का है। थाने में मामला दर्ज कराई गई है। पीड़ित व्यापारी मुर्गा बेचकर घर लौट रहा था। अब बिहार में कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर ही गैस कनेक्शन व सिलेंडर मिल जाएंगे। इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिया है। लॉकडाउन में जन सुविधा को देखते हुए अब CSC से ही बुकिंग आदि की सुविधा बहाल कर दी गई है। बिहार के पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी के एक बंद घर में नारायण भद्र नाम का एक व्यक्ति का शव मिला है। घटना के संदर्भ में उनकी पत्नी ने कहा कि उनका पति मानसिक रूप से विक्षिप्त चल रहे थे। पूर्णिया जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मिल्की गांव में 10 वर्षीय बच्ची की मौत बिजली के करंट से हो गई। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना के कैथमा गांव में अपराधियों ने रविवार की सुबह भाजपा के जिला महामंत्री धीरज भारद्वाज की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान बदमाशों ने अन्य दो युवकों को भी गोली मारकर घायल कर दिया। हालांकि घटना के पीछे की पूरी तहकीकात पुलिस कर रही है। इधर
कोरोना से पूरा बिहार परेशान है, वहीं पश्चिम चंपारण में चमकी बुखार से एक बच्ची की मौत हो गई। मधेपुरा जिले के भर्राही ओपी क्षेत्र में भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन 4 की घोषणा केंद्र सरकार ने कर दी है, जिसके बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप अब नजर आने लगे हैं। तेज प्रताप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही कहा कि विपक्ष जनता की हो रही परेशानी का हिसाब लेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के बाहर फंसे जो भी प्रवासी मजदूर बिहार आने को इच्छुक हैं, उन सभी को बिहार वापस लाया जाएगा। साथ ही कहा कि प्रवासी मजदूर परेशान न हो, धैर्य रखें, सुरक्षित रहें। सरकार पूरी क्षमता के साथ सभी इच्छुक प्रवासी मजदूरों को जल्द ही बिहार लाया जाएगा। देश में लॉकडाउन जारी है, इस बीच कोरोना वायरस का कहर भी जारी है। वहीं कोरोना काल में विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर हमलावर है। आरजेडी नेता व नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अप्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में मात्र सूखा चूड़ा और मिर्च दिया जा रहा है। अब चलते हैं कमेंट की ओर। कमेंट बॉक्स पर कुवैत से अशरफ अली हैं, उन्होंने लिखा है कि भारत के दिल्ली के लिए फ्लाइट कब खुलेगी। अशरफ साहब, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे आप भी अपने स्तर से विदेशी उड़ान का पता लगाते रहिए। कमेंट बॉक्स पर कुंदन कुमार आए हैं, वे कहां से कमेंट कर रहे हैं और कहां जाना है ऐसा कुछ नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि प्लीज़ हेल्प। कमेंट बॉक्स पर लखी राम ने मदद मांगा है और लिखा है कि 30 दोस्तों के साथ केरल में लॉकडाउन है। किशनगंज के तौकीर आलम ने लिखा है कि हम लोग हैदराबाद में हैं, कोई ट्रेन नहीं है, सोच रहे हैं कि पैदल ही चल दें। मधेपुरा के रविंद्र शर्मा लिखते हैं कि वे नागालैंड के डीमापुर में हैं, हमारे साथ 15 आदमी हैं। सिवान जिला के जितेंद्र सिंह ने आंध्र प्रदेश से लिखा है कि 2 महीने से बैठा हूं, कोई ट्रेन नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी किया लेकिन कोई रिटर्निंग मैसेज नहीं आया। खगड़िया जिला के भरतखंड के अवधेश शाह जम्मू तवी में हैं, पूछा है ट्रेन कब चलेगी। बांका जिले के खदरा पठार के साबो सोलखा नोएडा में हैं, उनके फेसबुक अकाउंट से जितेंद्र शाह ने घर वापसी की इच्छा जताई है। पंजाब से मधेपुरा के मोहम्मद शमशुल ने लिखा है कि मैं पंजाब में हूं। आरा भोजपुर के सिंह ने लिखा है कि मैं हैदराबाद में हूं। रंजीत कुमार लुधियाना में लॉकडाउन है, बिहार के सुपौल जाना चाहता हूं। मोहम्मद अजमुल अंसारी ने लिखा है कि मद्रास से जसदीह के लिए ट्रेन कब चलेगी। देहरादून से रमन कुमार ने लिखा है कि बेगूसराय मेरा घर है, घर जाना चाहता हूं। खगड़िया जिले के राजेश कुमार ने लिखा है कि अपने साथियों के साथ ओडिशा के काला पत्थर गाँव में हैं, घर जाना चाहते हैं। बांका जिला के मनीष कुमार ने लिखा है कि उनका भाई 20 लोगों के साथ गुजरात में फंसा है। सोनीपत के बड़ी गाँव के राज दीपू ने लिखा है कि मैं हरियाणा में फंसा हूँ। मोहम्मद खान के फेसबुक से जावेद इकबाल ने लिखा है कि जमुई का हूँ, कोलकाता में फंसा हूँ। दरभंगा के सज्जाद ने लिखा है कि मुंबई में फंसा हूँ, ट्रेन कब है। मोहम्मद जावेद अख्तर ने लिखा है कि बिहार में हम मजदूर को काम चाहिए। प्रमोद ठाकुर मुंबई में हैं, बिहार आने को बेताब हैं। मोहम्मद अंजार कमेंट बॉक्स पर पूछ रहे हैं कि नेपाल से भारत जाने के लिए कब मिलेगा। इसी प्रकार हमें दर्जनों लोगों ने कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्या, शिकायत और सुझाव दिया है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।